नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का पसंदीदा शो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लाइव हो चुका है। आज है 3 अक्टूबर, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत आप ही से होगी। एक मोटिवेशनल कोट होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे एनालिसिस होगा, एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू, योर वोकैब्स, एमसीक्यू, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल डिस्कशन, एक्स्ट्रा अपडेट्स होंगे विद मैप प्रैक्टिस आल्सो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज एमसीक्यू की जो संख्या है वो 20 होगी। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ आज यहाँ पर शेयर करूंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आप ही में से एक शिवानी रावत जी के द्वारा भेजे गए मोटिवेशनल कोट की, जिनको टोटल 31 लाइक यहां पर मिले हैं। और वो कहती हैं कि जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है शिवानी रावत जी का। आप भी अपने मोटिवेशनल कोट हमें सेंड कर सकते हैं, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। अगर सबसे ज्यादा मिलते हैं लाइक्स तो उसे शामिल किया जाएगा हमारे इस शो में। साथ ही साथ आपको अ ग्रेट फेस्टिवल सेल के बारे में भी बता देते हैं, जहां पर IBPS क्लर्क को देखते हुए, इसके अलावा LIC असिस्टेंट प्री एग्जामिनेशन को देखते हुए और IBPS PO प्री एग्जामिनेशन को देखते हुए आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये डील आपके लिए लेकर आए हैं। 999 से यहाँ पर कंप्लीट पैकेज आप सभी के लिए शुरू होगा 3 अक्टूबर, आज सुबह 10 बजे से लेकर 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी myshop.mahendraj.org वेबसाइट पर। तो जो भी लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तुरंत विजिट करें 10 बजे से। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात कर लेंगे प्रीवियस सेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर। जो प्रीवियस हम लोगों ने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे उनके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज यहां पर फ्रेम किए हैं, तो बिल्कुल यहां पर इनको यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, तो नीति आयोग के ऊपर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि आपने यहां पर देखा ही हुआ है कि एजुकेशन रैंकिंग्स यहां पर दी गई थी। तो आपको ये बताना है कि नीति आयोग ने स्कूल शिक्षा और गुणवत्ता सूचकांक में, यानी कि स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स में जो सूचकांक, जो इंडेक्स जारी किया था, वो कौन से नंबर का इंडेक्स था। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, कौन से नंबर का संस्करण था, कौन से नंबर का एडिशन था। तो याद रखिएगा, पहली बार इसे जारी किया गया है, ये इंडेक्स पहली बार पब्लिश किया गया है जनता के लिए, तो फर्स्ट एडिशन था। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अगला एमसीक्यू आप सभी के सामने ये है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज रैंक्ड फर्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, व्हाइल उत्तर प्रदेश केम इन लास्ट। सबसे आखिर में बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है। यहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो परफॉर्मेंस है काफी खराब है, लेकिन पहले नंबर पर कौन आता है ये आर्टिकल के टॉप में ही हेडिंग में लिखा हुआ है, नाम है केरला स्टेट का। तो करेक्ट आंसर, रुक जाइए यहां पर, बात हम यहां पर करें, चंडीगढ़ यहां पर आंसर जो लगा हुआ है वो भी गलत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो केरला यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ पहले नंबर पर होगा, स्टेट्स में केरल होगा, जबकि यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ होगा। सेकंड नंबर पर आपका तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पर अगर हम लोग बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहां पर दिल्ली स्टेट होगा, ये पॉइंट दिल्ली राज्य होगा, यहां पर आपको याद रखना है दिल्ली जो आपकी यूनियन टेरिटरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझते जाइएगा, चीजों को क्लियर करते जाइएगा, बस ये एमसीक्यू इसीलिए यहां पर फ्रेम किए गए हैं। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें, स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, तो विच स्टेट्स इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर व्हाइल चंडीगढ़ टॉप द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मैंने अभी आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, तो छोटे राज्यों की कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन सा निकल कर आया है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, सभी के सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और करेक्ट आंसर है यहां पर मणिपुर। मणिपुर राज्य ने यहां पर टॉप किया है, याद रखिए। हाँ बिल्कुल विवेश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विच स्टेट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इवेल्युएशन प्रोसेस एंड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द रैंकिंग्स। पूरे भारत के सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज की ये रैंकिंग थी, लेकिन किस राज्य ने इस रैंकिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, उस राज्य का नाम क्या है। आप इसे राजनीति से प्रेरित भी कह सकते हैं, कैसे भी आप इसे कह सकते हैं। तो राइट आंसर की यहां पर बात करें तो वेस्ट बंगाल स्टेट इसमें शामिल नहीं हुआ था, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था। रीजन कई हो सकते हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल ने इस एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाला गया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो राज्य का नाम याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके तहत यहां पर एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, आपको यह बताना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल ए
IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के हिसाब से हैज नेम्ड एन एस्ट्रोइड डिस्कवर्ड इन विच ईयर आफ्टर इंडियन क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज। आपको बताना है कि पंडित जसराज जी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एक एस्ट्रोइड का नाम रखा गया है। इस एस्ट्रोइड को कब खोजा गया था, किस पर्टिकुलर ईयर में खोजा गया था, इस आर्टिकल के डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया था और करेक्ट आंसर है यहां पर 2006 में इसको फाउंड किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो आप सभी के सामने यहां पर है। साइंटिस्ट ने यहां पर एक एंशियंट रिवर को एक प्राचीन नदी को खोज निकाला है जो कि उत्तर प्रदेश में फाउंड की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बनता है ये आर्टिकल। सबसे पहले प्राचीन नदी भारत के किस राज्य में खोजी गई है हाल ही में, तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। कहां पर इसकी लोकेशन क्या है वो मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर में इसे यहां पर पब्लिश करके दिखाया गया था। हो सके तो थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर दीजिएगा टेक्निकल टीम। चलिए बात यहां पर यह की गई है कि रिवर अनअर्थ यानी कि एक ऐसी नदी जो कि अब अनअर्थ हो चुकी है, पहले वो अर्थ के अंदर दबी हुई थी लेकिन अब ये डिस्कवर की जा चुकी है। एंशियंट बरीड रिवर, जो नदी जैसे बरीड का मतलब होता है जमीन के अंदर दफन होना या दफन थी जमीन के अंदर, लिंक्स गंगा एंड यमुना, यह जो नदी थी वह गंगा और यमुना नदी को लिंक करती थी जोड़ती थी, इसे अब यहां पर फाउंड कर लिया गया है। पहली चीज आपको यहां पर यह समझना है कि ये जो आप मैप में रिवर देख रहे हैं ये गंगा नदी है जो आप यहां पर देख रहे हैं इस तरह से फ्लो हो रही है, अलग ही रंग है यहां पर, और ये आपकी यमुना रिवर है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये यमुना रिवर यहां पर फ्लो हो रही है। इन दोनों ही नदियों के बीच का जो ये इलाका है, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो ये इलाका है आप यहां पर मैं देख रहे हैं जो मैंने यहां पर रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, गंगा और यमुना नदी के बीच के इलाके को हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोआब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दोआब। दोआब, दोआब शब्द का क्या मतलब होता है? दोआब एक ज्योग्राफी का शब्द है और जो दोआब शब्द का मतलब होता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका। तो गंगा और यमुना के बीच के उपजाऊ इलाके को दोआब कहते हैं और इस दोआब के इलाके में आप यहां पर देख सकते हैं डिस्कवर्ड एंशियंट रिवर, जो आप यहां पर डार्क ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं यही वो नदी है जो कि जमीन के नीचे दफन थी और अब इसे हमने क्या कर लिया है, फाउंड यहां पर कर लिया है। आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहां पर रख दिए हैं, पूरे आर्टिकल का यहां पर कंक्लूजन है आप यहां पर देख सकते हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ समझते हुए चलें। द यूनियन वाटर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर का नाम टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, हैज एक्सक्यूवेटेड एन ओल्ड ड्राइड अप रिवर इन प्रयागराज। प्रयागराज अब नाम है, पहले से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते ही हैं, दैट लिंक गंगा एंड यमुना। तो मैंने आपको इमेज में दिखाई दिया है कि इलाहाबाद के पास गंगा और यमुना को जोड़ने वाली एक नदी को यहां पर फाउंड किया गया है। द एम इज टू डेवलप इट्स एज अ पोटेंशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज सोर्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स एट द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अधिकारियों के मुताबिक यहां पर अब इस नदी को डेवलप किया जाएगा, इस नदी को विकसित किया जाएगा इसके फुल पोटेंशियल तक, ताकि इसका जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है, अंडरग्राउंड जो वाटर सिस्टम है उसे दोबारा से रिचार्ज किया जा सके, ताकि जो आपका जमीन के अंदर भूमिगत जल का जो स्रोत होता है, ग्राउंड वाटर का जो ओरिजिन होता है उसे और बेहतर किया जा सके। यानी कि इस नदी की मदद से हम लोग ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को दोबारा से रिचार्ज करेंगे और वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे इंक्रीज किया जाएगा, यह बात यहां पर की गई है। साथ ही साथ यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री भी इनके साथ मिलकर काम करेगी और ये गंगा को साफ करने को लेकर है ये मिशन। अगर मैं आपसे बात करूं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो गंगा के प्रदूषण को मिटाने के लिए है, जिसमें ये एंशियंट रिवर इनकी मदद कर सकती है। द एंशियंट बरीड रिवर, एक प्राचीन नदी जो कि अभी तक दफन थी जमीन के अंदर, इज अराउंड 4 किलोमीटर वाइड, ये लगभग 4 किलोमीटर तक अगर मैं बात करूं ये चौड़ी नदी है, 45 किलोमीटर ये लंबी नदी है जो अभी तक फाउंड हुई है और लगभग 15 मीटर की इसकी एक थिक लेयर है बरीड अंडर द सोयल, यानी कि 15 मीटर की जमीन की सतह के नीचे दबी हुई थी ये नदी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चौड़ाई और लंबाई पूछी जा सकती है, 45 किलोमीटर लंबी है, 4 किलोमीटर चौड़ी है ये नदी और 15 मीटर की जमीन की सतह के नीचे दबी हुई थी, जिसे हमने हाल ही में फाउंड किया है। जानकारों के मुताबिक हम सभी जानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती, अगर हम बात करें इलाहाबाद की या हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में ऐसा कहा जाता है जो संगम का एरिया है, जहां पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, ऐसा कहा जाता है कि अंडरग्राउंड लेवल से वहां पर सरस्वती नदी भी जुड़ती है, ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सरस्वती रिवर यही है जो कि
रोचक कहानियों में या प्राचीन इतिहास में इस नदी का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी इस नदी के बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन प्रयागराज के संगम में ऐसा कहा जाता है, दो नहीं बल्कि तीन नदियां आकर मिलती हैं, तो एक गंगा, यमुना और तीसरी सरस्वती। उम्मीद है हमारे साइंटिस्ट ने या हमारे अधिकारियों ने इसे फाउंड कर लिया है। उम्मीद है आर्टिकल का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार यस लिखकर बताइए। हाँ सर, यहाँ पर आर्टिकल का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आर्टिकल का डिस्कशन हम तक पहुंच चुका है। एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और कल आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर था। जी हाँ, 2 अक्टूबर जिसे हम इंटरनेशनल अहिंसा दिवस कह सकते हैं या नॉन वायलेंस डे कह सकते हैं, उसे सेलिब्रेट किया गया। कल गांधी जी की 150वीं जयंती थी, आप सभी जानती हैं। और गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 150 रुपये के कमेमोरेटिव कॉइन का भी इनॉग्रेशन किया है। कमेमोरेटिव कॉइन कुछ ऐसे कॉइन होते हैं जो किसी याद या किसी महान शख्सियत की याद में ढलवाए जाते हैं और केवल कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं। कई बार आपने सिक्कों के ऊपर RBI का मोहर छपा हुआ देखा होगा या किसी महान शख्सियत जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर देखी होगी। तो जब किसी सिक्के को किसी पर्सनैलिटी को डेडिकेट किया जाता है तो उसे हम कमेमोरेबल कॉइन कहते हैं, श्रद्धांजलि के लिए जारी किए गए सिक्के कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की 150वीं जयंती 150 रुपए के सिक्कों को यहां पर जारी किया है। द हिंदू न्यूज़पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल द हिंदू न्यूज़पेपर को जब मैं रीड कर रहा था तो मेरी नजर एक क्विज पर पड़ती है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक क्विज आया हुआ था, आप देख सकते हैं, पूरा उन्होंने क्विज यहां पर बनाया हुआ था। एक पूरा पेज महात्मा गांधी को डेडिकेट था और मुझे उम्मीद है कि यहां पर जितने भी प्रश्न महात्मा गांधी जी के ऊपर पूछे गए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हिस्ट्री में जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप सभी रेडी हैं तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न द हिंदू न्यूज़पेपर के क्विज पर बेस्ड आप सभी के सामने मैं लाऊंगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप सभी तैयार हैं तो यस लेकर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, डू यू नो योर महात्मा, आप अपने महात्मा को, महात्मा गांधी को कितना जानते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने द हिंदू क्विज से यह रहा कि इंदी मोहनदास करमचंद गांधी का जो फैमिली ट्री है, परिवार का जो ट्री है, फैमिली ट्री है, हु आर दी रलियत बेन, लक्ष्मी दास और करण चंद दास। रलियत बेन लक्ष्मी दास, करण चंद दास, ये कौन है गांधी की फैमिली की अगर बात करते हैं तो ये इनकी सिबलिंग्स हैं, बहनें हैं, और सभी के सभी पुतली बाई जो इनकी माँ थी उनसे उन्होंने जन्म लिया था। तो ये सभी के सभी बहनें हैं, याद रखिएगा। अगला MCQ आप सभी के सामने यह है कि हाउ ओल्ड वाज मोहनदास व्हेन ही मैरिड कस्तूरबा कपाड़िया एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड दे हैव। कस्तूरबा गांधी जी से जब महात्मा गांधी की शादी हुई तो महात्मा गांधी जी की उम्र क्या थी, ये आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी की उस समय उम्र हुआ करती थी 14 साल, और आपको यह भी बताना है कि महात्मा गांधी के कुल कितने बच्चे हुआ करते थे। ऑप्शंस आप सभी के सामने नहीं है, आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। जैसा द हिंदू न्यूज़पेपर में आया उसी को हमने उसी तरह से डिजाइन यहां पर कर दिया है। महात्मा गांधी की उस समय उम्र हुआ करती थी 13 साल, ठीक है, याद रखेंगे। एंड दे हैड 4 सन, उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। नाम याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, नेम दी तमिल गर्ल, उस तमिल लड़की का नाम क्या है जो 16 साल की उम्र में शहीद हुई, हुम गांधी जी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू सेइंग वाज इंस्पिरेशन फॉर हिम टू स्टे ऑन द कोर्स इन फाइट फॉर इक्वेलिटी इन साउथ अफ्रीका। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी। तो तमिलनाडु की उस गर्ल का नाम क्या है जो 16 साल की उम्र में शहीद हुई, लेकिन यहां पर बातें की गई जिससे गांधी जी को इंस्पिरेशन मिलती थी साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तो थलियादी वलियामई, ये नाम है, थोड़ा सा अजीब है प्रोनाउंसिएशन में, थोड़ी दिक्कत, एक बार इसको देख लीजिएगा, साउथ इंडियन नेम है। इनसे इंस्पिरेशन मिलती थी महात्मा गांधी जी को। एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन नाइट ऑफ June 7, 1893, 7 जून 1893 की रात को एक घटना होती है, एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर गांधी जी टू फाइट अगेंस्ट रेस एंड कलर प्रिजुडिसेस वेयर एंड व्हाट। आप सभी जानते हैं कि काले और गोरे का जो भेद होता था, रंग भेद का जो सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में, 7 जून 1893 की रात को गांधी जी ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की मुहिम शुरू की, कब और कहां। तो मैं बता दूं, ये जो मुहिम शुरू हुई थी पीटर मैरिट्सबर्ग,
पीटर मैरिट्सबर्ग, ये रेलवे स्टेशन है साउथ अफ्रीका का, यहां पर फर्स्ट क्लास टिकट था, एफसी टिकट था, फर्स्ट क्लास टिकट था महात्मा गांधी जी के पास। उसके बावजूद भी उनका जो रंग था उनके मुकाबले थोड़ा काला था, तो उन्हें नीग्रो पीपल समझकर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार दिया जाता है, और वहीं से गांधी जी की एक नई शुरुआत होती है रंग भेद के खिलाफ। सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग इस रेलवे स्टेशन का नाम है। अगला प्रश्न, आफ्टर मेनी कैंपेन्स एंड अरेस्ट इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन January 9, 1915। आपको पता है साउथ अफ्रीका में उनकी काफी पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, कई सारी उन्होंने कैंपेन चलाई, कई बार वो गिरफ्तार हुए रंग भेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में काम करते हुए। गांधी जी वापस भारत पहुंचे 9 जनवरी 1915 को, और उस डेट को भारत में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इस डेट को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मैं बता दूं, 2003 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और अटल जी ने प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखते हुए, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, 1919 के आसपास ही अज्यूम्ड एंड द एडिटरशिप ऑफ टू पब्लिकेशंस नेम बोथ। गांधी जी कई अलग अलग समाचार पत्रों के एडिटर भी थे, उनको छापना, उनको पब्लिश कराना उनका काम भी था। तो आपको यह बताना है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाएगा, कि 1919 में कौन से दो न्यूज़पेपर की एडिटरशिप उनके पास थी, आपको यह बताना है। करेक्ट आंसर है यहां पर नवजीवन और यंग इंडिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा संचालित नहीं था या वो उसके एडिटर नहीं थे, तो याद रखिएगा नवजीवन, यंग इंडिया, ये दोनों ही न्यूज़पेपर 1919 में महात्मा गांधी के एडिटरशिप में चलाए गए थे, और उन्होंने हरिजन नामक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था 1933 में। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। प्रश्नों का लेवल कैसा है एक बार यस लिखकर बताइएगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तब भी आपको यस लिखना है और लाइक बटन पर प्रेस करते हुए चलना है अगर सेशन पसंद आ रहा है। याद रखिएगा, अगला प्रश्न, 22 सितंबर 1921, What momentous decision did he take in Mudra that changed the way of the world? Look at him. 22 सितंबर 1921 को साउथ इंडिया के मुद्रा तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ जिसने महात्मा गांधी जी के जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल दिया और बिल्कुल उन्हें परिवर्तित कर दिया। 1921, 22 सितंबर, मुद्रा तमिलनाडु, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने आगे चल के अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीने का निर्णय लिया, और वो डिसीजन था कि वो केवल एक धोती में रहेंगे, एक कपड़े में रहेंगे और एक शॉल में रहेंगे इंटायर लाइफ, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर गरीबों की स्थिति को देखते, बहुत सारे गरीब उस ट्रेन के अंदर भी सफर कर रहे थे जिनसे गांधी जी ने खादी को पहनने की बात कही, खादी को प्रमोट करने की बात कही, तब उन गरीबों ने कहा हमारे पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, हम खादी कहां से खरीदें। तब गांधी जी को अपनी बात का एहसास हुआ और उन्होंने भी उन्हीं की तरह जीवन भर धोती और शॉल को लपेटकर जीवन जीने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मोहनदास गांधी द टाइटल महात्मा। महात्मा टाइटल किस महान शख्सियत ने महात्मा गांधी को दिया, एंड हु इज सेड टू हैव फर्स्ट रेफर्ड टू हिम एज द राष्ट्रपिता। और सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहके, फादर ऑफ द नेशन कहके किसने संबोधित किया, ये दोनों ही महान शख्सियतों के नाम आपको बताने हैं। एग्जाम में कई बार जीएस में पूछे जा चुके हैं, महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया और राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, साहित्य का पहला नोबेल प्राइज पाने वाले इकलौते भारतीय और एशियाई व्यक्ति थे, गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले उन्हें महात्मा कहा, और सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो में अपनी एक स्पीच के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। नाम याद रखेंगे। अब आपको यह बताना है कि 1937 से लेकर 1948 के बीच में महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था। 5 बार महात्मा गांधी जी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए विदाउट विनिंग एवर वंस, लेकिन एक भी बार महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, उन्हें नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है 1948 में, 1948 में, उसके बाद नोबेल कमिटी ने महात्मा गांधी को किस तरह से सम्मानित किया। नोबेल कमेटी ने 1947 तक महात्मा गांधी को किसी भी तरह के नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा, लेकिन नॉमिनेट हर बार किया। 5 बार गांधी जी नॉमिनेट हो चुके थे नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन जब 1948 में महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या हो चुकी थी, तो
नोबल कमेटी ने उन्हें किस तरह से सम्मानित किया। नोबल कमेटी ने 1948 में कोई भी नोबल पीस प्राइज नहीं दिया था। नोबल कमेटी ने 1948 में कोई भी नोबल पीस प्राइज किसी को नहीं दिया, क्योंकि इसके असली हकदार महात्मा गांधी थे और उनकी हत्या हो चुकी थी। इस वजह से उस साल किसी को भी नोबल पीस प्राइज नहीं दिया गया। गांधी जी के सम्मान में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो यस लिखकर लाइक बटन पर प्रेस जरूर करते चलिएगा, जितने भी लोग अभी इस सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आप बात करते हैं विच डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स। किन दो चीजों को, किन दो बातों को, किन दो सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने अपने फेफड़े कहा है, अपने टू लंग्स कहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा कहा जाता है सत्य और अहिंसा के पुजारी, हमेशा कहा जाता है सत्य यानी कि ट्रुथ और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के जो पुजारी हैं वो महात्मा गांधी हैं। तो इसी से आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने दो लंग्स कहा है, अपने दो फेफड़े कहा है, जिससे उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक बार यस लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ और आज का एडिटोरियल पेज आपके सामने आ चुका है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं दावा कर सकता हूं किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, केवल मिलेगी महेंद्राज के एडिटोरियल पेज या महेंद्राज के एडिटोरियल सेशन में ही। एक बार यस लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं। अ साउंड रिव्यू, एक आर्टिकल यहां पर है, क्विक ओवरव्यू देखेंगे और फिर डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा रेनिंग मिजरी, एक आर्टिकल यहां पर है, हिंदुत्व को लेकर एक आर्टिकल यहां पर है। इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को लेकर एक आर्टिकल यहां पर है, क्योंकि शेख हसीना भारत की विजिट पर आने वाली हैं, आ चुकी हैं एक्चुअली। और एक क्रिमिनल प्रोसेस को लेकर एक आर्टिकल यहां पर है। ओपन डिफेक्शन फ्री को लेकर एक आर्टिकल यहां पर है और कार्टून सेक्शन शिवसेना को समर्पित है। पहला आर्टिकल अ साउंड रिव्यू आप सभी के सामने ये रहा। पहला आर्टिकल है अ साउंड रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन एंटी एट्रोसिटीज लॉज इज अ कॉशन अगेंस्ट एंटरिंग लेजिस्लेटिव डोमेन। चलिए एक बार बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है एंटी एट्रोसिटीज पे, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर इस वर्ड का मीनिंग चाहता है तो लिख के बताएगा एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है। अगर बताया जाए तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब होता है बर्बरता। याद रखिएगा एंटी एट्रोसिटीज लॉ लाया गया है और कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का कॉशन होगा, मतलब एक प्रिकॉशन रखा जाएगा इनटू लेजिस्लेटिव डोमेन। डोमेन मतलब हमारे, कहते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में। लेट्स सी, अगर इस आर्टिकल की बात करें तो पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस डिसीजन को यहां पर पलटते हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, पहली चीज आपको यह रखना है कि इस एक्ट को थोड़ा सा कमजोर किया गया था पिछले साल, क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी एससी एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति को परेशान करने के आरोप लगते हैं तो पहले कमेटी का जांच होगी, वहां पर पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही यहां पर उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस फैसले को पलटते हुए यहां पर दोबारा से मजबूत किया, क्योंकि इस फैसले का विरोध हुआ था पूरे भारत में। अगर हम देखें तो एससी एसटी एक्ट में यहां पर फिर से गिरफ्तारी की बात की गई है और इसको मजबूत करने की बात की गई है। एक साउंड रिव्यू यहां पर करार दिया है द हिंदू न्यूज़पेपर में। लेकिन मैं इस न्यूज़पेपर के बारे में एक बात आपसे करना चाहूंगा, वो मैं पहले नहीं कर पाया। कल 2 अक्टूबर था और कल नेशनल हॉलीडे था, इसलिए हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी। कल जब मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ा तो यकीन मानिए मुझे कहीं भी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक भी पर्टिकुलर फोटो नजर नहीं आया और ना ही उनकी जयंती के नाम पर, या कल उनकी भी जयंती होती है भाई, तो उसके नाम पर कोई भी एक सिंगल आर्टिकल और सिंगल सेलिब्रेशन या रिमेंबर का भी कटिंग नहीं थी। ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि हमारी दोनों ही महान शख्सियत हैं, महात्मा गांधी भी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी। तो इसी सेशन के आगे मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर आधारित 5 MCQ आप सभी के लिए फ्रेम किए हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे तो उस पर भी बात करेंगे इस सेशन के दौरान। लेकिन मुझे देखकर काफी दुख हुआ कि द हिंदू न्यूज़पेपर ने गांधी जी के ऊपर 5 अलग अलग पेजों का आर्टिकल छापा था, 5 अलग से पेज ऐड किए गए थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए एक कोना भी नसीब नहीं हुआ। अगला आर्टिकल, दूसरा है डिकोडिंग द कॉर्पोरेट हिंदुत्व अलायंस। हमें डिकोड करने की जरूरत है हमारे कॉर्पोरेशन को और हिंदुत्व के अलायंस को, मतलब गठबंधन को, गठजोड़ को। द स्पेल्स, इट स्पेल्स डबल डेंजर। और क्या ये हमारे लिए डबल डेंजर है? देखो, ये भी आप लोगों का जो आर्टिकल है वो कंप्लीटली ऑथर ओपिनियटेड है, याद रखिएगा ऑथर ओपिनियटेड है। थ्रेटनिंग इंडिया सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग, कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि शायद ये थ्रेटन करेगा हमारी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग को एंड माइंडिंग द इकोनॉमी डीपर इन क्राइसिस, और हमारी इकोनॉमी को ये नीचे लेता चला जाएगा और भी ज्यादा क्राइसिस की तरफ। अगर मायरिंग वर्ड की मीनिंग की बात करें तो याद रखिएगा इट आल्सो मींस एक्चुअली एक तरीके का आपके रिड्यूस कर देना टू द इकोनॉमी।
बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक तरफ हिंदुत्व है और हिंदुत्व को जोड़ते हुए बीजेपी को यहाँ पर लाया गया है। सीधी सी बात है जो कि राइटर ने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहा है। तो हिंदुत्व को एजेंडे को लेकर और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर यह आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया, जो कि एक पर्सनल आर्टिकल है राइटर के द्वारा। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, आगे बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। रेनिंग माइजरी, व्हाट इज इट? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर मैनेजमेंट टू ब्रेक द ड्रॉट्स फ्लड साइकिल इज नीडेड। हम सब जानते हैं बिहार की स्थिति समय क्या है, सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट इलाके कौन से हैं। कहा जा रहा है शायद एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से वाटर मैनेजमेंट को अगर हम रिसाइकल करना सीख जाएं, या फिर अगर हम वाटर मैनेजमेंट को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर तरीके से इम्प्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो शायद इन्हें कुछ हद तक रोका जा सकता है। एक प्रोजेक्ट का नाम मुझे याद आ रहा है, कोसी मेची प्रोजेक्ट, ये बिहार में एक्चुअली चलाया जा रहा है, जिसमें दोनों रिवर को लिंक करने की बात की गई है, क्योंकि कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है और कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो बिहार में बाढ़ को लेकर ये आर्टिकल पूरी तरह से डेडिकेटेड है और उसकी चिंताओं को यहां पर जाहिर किया गया। लेकिन ये आर्टिकल आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे नहीं होगा, इसमें वही बातें हैं जो बिहार में इस समय चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको यहां पर एक परियोजना के बारे में बताया, कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये भारत का दूसरा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। अगर बेतवा और केन को हटा दें उत्तर प्रदेश में, इस रिवर के तहत कोसी नदी के सरप्लस वाटर को मेची रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि आगे चलकर बिहार के लिए बेहतर होगा। इस आर्टिकल के ऊपर इस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है, एक बार इस आर्टिकल को आप रीड जरूर कर लीजिएगा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फर्दरिंग दिस नेबरहुड फ्रेंडशिप। याद रखिएगा हम यहां पे बात करें कि किस तरीके से हम अपनी फ्रेंडशिप को और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। फर्दरिंग का मतलब होता है आगे बढ़ाना। There is scope for India Bangladesh ties to move to the next level based on cooperation, coordination and consolidation. बिल्कुल सही कहा, ये आज का होगा हमारा आर्टिकल ऑफ द डे। आर्टिकल ऑफ द डे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के और फ्रेंडशिप को, क्योंकि शेख हसीना जी 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में यहां पर आ रही हैं। ठीक है, बात हम यहां पर कर रहे हैं तो आज यानी कि 3 अक्टूबर के दिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंचेंगी। आर्टिकल ऑफ द डे होगा, इसलिए करेंगे डिटेल में डिस्कस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इन परस्यूट ऑफ एन आइडियल क्रिमिनल प्रोसेस। अब ये परस्यूट क्या होता है, चलो देखते हैं। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना। नाउ इन परस्यूट ऑफ एन आइडियल क्रिमिनल प्रोसेस इट इज टाइम टू रीथिंक द पावर ऑफ अरेस्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस जो कि कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल या फिर ऑफेंसिव माना जाता है। लेट्स सी। बिल्कुल, क्रिमिनल ऑफ प्रोसेस को लेकर क्या तरीका अपनाना चाहिए, अगर उनके द्वारा बहुत ही गंभीर अपराध किए गए हैं तो क्या उन्हें सुधारा जा सकता है, क्या केवल गिरफ्तारी ही एकमात्र यहां पर ऑप्शन है। तो भारत के लॉ सिस्टम और क्रिमिनल प्रोसेस को लेकर यह आर्टिकल यहां पर लिखा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अपनी ही बातें यहां पर पर्सनल व्यू के तौर पर राइटर ने की है। नेक्स्ट, माइल्स टू गो बिफोर बिकमिंग ओपन डिफिकेशन फ्री। याद रखिएगा अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा दूर हमें दूरी तय करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू हैव अ नॉन कोरेसिव सैनिटेशन पॉलिसी फॉर दोज हु कंटिन्यू टू यूज द आउटडोर्स। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेफिकेशन का मतलब होता है जो बाहर में जाके शौच करते हैं। कहा जा रहा है इंडिया को अभी भी बहुत ज्यादा ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है जहां पे हम सैनिटेशन को और ज्यादा क्लीन बना सके। बिल्कुल, ये भी कहा गया है इस हेडिंग में कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें ओपन डिफेक्शन फ्री हमें करना है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाना है, टॉयलेट की सुविधा भारत के हर घर में पहुंचे, इस पर अभी आधी ही कहानी यहां पर पूरी हुई है, इंटरवल ही हुआ है, अभी आधी कहानी बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंटिन्यू हैं आउटसाइड जाने के लिए। तो अभी भी इस पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है और सैनिटेशन पॉलिसी को और गंभीर बनाने की जरूरत है, ये बात यहां पर आर्टिकल में राइटर ने यहां पर की है। कॉग्निसिबल का क्या मतलब होता है, वोकैब्स के तौर पर बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल मैम जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर है। कॉग्निसिबल का मतलब होता है वो क्राइम्स जो कि आप लोगों के गवर्नमेंट के थ्रू या फिर आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के तहत क्राइम माना जाता है। बिल्कुल सही कहा। कार्टून सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहां पर शिवसेना को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें शिवसेना काफी कड़ा रुख अपनाए हुए थी। पहले शिवसेना का जो शेर था या टाइगर है वो गुर्र गुर्र यानी कि दहाड़ रहा था, फिर थोड़ा सा वोट मांगने लग गया, क्योंकि अब पता है आपको कि बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगी और अब वोट प्लीज पर आकर रुक गया है। तो ये रहा आपका कार्टून सेक्शन, उम्मीद है आप इसके बारे में यहां पर समझ गए होंगे। इसके अलावा रेंट फ्यूरी को लेकर एक पूरा डेटा पॉइंट यहां पर दिया गया है, जिसमें सभी राज्यों में क्या क्या रेन का पूरा रेनफॉल सिस्टम कितना रहा आप देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों का यहां पर अलग अलग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक नजर दौड़ा सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको यह डेटा पॉइंट मिल जाएगा, तो आप वहां पर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के वोकैबुलरी की तरफ, लेकिन आज कमेंट सेक्शन में जोश थोड़ा सा कम लग रहा है। कल आप लोगों ने छुट्टी अच्छी खासी मनाई है। सर का एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल लाजवाब था। अगर आप लोगों को लगता है आपने कुछ भी नया सीखा है, कुछ भी नया, तो प्लीज सर के एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक
एंड शेयर जरूर करें। हम बहुत देर से चुप इसलिए थे क्योंकि हम आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर सेशन ऑफ वोकैबुलरी टुडे। आज भी कुछ सारे वर्ड्स पूछे गए थे बट वो सारे आपके वोकैबुलरी में एडेड है। टेक्निकल टीम हो सके तो हमें स्क्रीन पे ले आइए। एक वर्ड है जो अभिषेक जी ने पूछा था, एस्कवेशन। बता देते हैं, एस्कवेशन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आपके सेंटेंस में खुदाई। याद रखिएगा, खुदाई करने को हम एस्कवेशन कहते हैं। इसको आप डिग भी कह सकते हैं, मतलब खोदना। ड्यूरिंग द एस्कवेशन जब हम बोलते हैं ना तो फिर हम बताते हैं कि एस्कवेशन का मतलब होता है खुदाई। चलिए एक और चीज आप लोगों से, पहले तो इस सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू। और आप सारे लोग बहुत देर से पूछ रहे थे कि मैम कहाँ है, तो हम यहीं थे, हम बस आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला वोकैबुलरी आपके सामने ये रहा, अट्रोसिटीज। वैसे तो पढ़ाते वक्त बता दिया था, फिर भी समझ लीजिएगा और सेशन को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा अगर कुछ भी नया आपको लगता है, आप हमसे हर रोज सीखते हैं। तो अट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। अगर बर्बरता की बात की जाए, अत्याचार की बात की जाए, तो उसे हम अट्रोसिटीज कहते हैं। Extremely wicked or cruel act, act of barbarity। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा act जिसमें किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाई जा रही है, जो बहुत cruelty से की जा रही है, जिसमें चीजें बहुत harsh हैं, उसे हम कहते हैं आप लोगों का atrocities। I hope आप सभी लोगों को यहां तक clear है। Atrocities word से questions बहुत common है, antonyms भी पूछे जा चुके हैं, synonyms भी पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल act of violence ही कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, आई हैव रिटन, आप ओके फाइन, आई हैव रिटन बट दिस इज नॉट मूविंग। चलिए अच्छा देख लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। चलिए अब इससे जो मीनिंग निकल के आएगा वो क्या होगा आपको बता देते हैं। देखो अट्रोसिटी से एक वर्ड लिख लीजिएगा। अच्छा आप लोग क्या लिख के बता सकते हैं हमें, अट्रोसिटी से क्या निकाल के? कोई भी कुछ भी लिख के अगर आप हो सके तो बताइए कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, दे आर ऑन ट्रायल फॉर कमिटिंग अट्रोसिटीज अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन। वो लोग एक ट्रायल पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रायल पे रखा गया। इसका मतलब क्या, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। याद रखिएगा, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है अगेंस्ट अट्रोसिटीज ऑन सिविलियन पॉपुलेशन। सिविलियन यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको, उनके ऊपर हम यहाँ पे मुकदमा चला रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, ज्ञान क्षेत्र। लेकिन डोमेन का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो डोमेन का मतलब होता है आप लोगों के क्षेत्रफल की बात हो रही है। जैसे कि अगर हम कहीं के राजा हैं तो हमारा एक किंगडम होगा ना, वो मेरा डोमेन है। जैसे आप, हम कहते हैं ना इस गली के हम शेर हैं, तो ये डोमेन है आपका, आप वहां के किंगडम, आप वहां के किंग है। रियल कहा जा सकता है, किंगडम कहा जा सकता है, एरिया ऑफ टेरिटरी जिसमें आप राज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। हमने क्या लिखा है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन पब्लिक डोमेन। इसका मतलब दे आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल सबके लिए, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कुछ जल्दी से यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज क्लैमर। क्लैमर वर्ड, देखो क्लैमर्ड भी यूज किया जाता है और क्लैमर भी यूज किया जाता है। ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। और हम इसको लिखते कैसे हैं, अ लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज अप्रोर। जब कहीं पे चिल्ला चिल्ली हो लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों चिल्ला चिल्ली हो रही है, उसे हम कहते हैं क्लैमर। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि कहीं पे दंगे फसाद छिड़ गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए एक ही कमरे में आप लोग 2000 लोग हैं, ठीक है, एक कमरे या एक हॉल में 2000 लोग हैं और अचानक से किसी एक ने चिल्ला दिया जोर से कि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास बंदूक है, तो अफरा तफरी मचेगी। अब लोगों ने देखा नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन वेन जहां पे भी हम देखते हैं, जब भी लाउड कंफ्यूज्ड तरीके से लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन नोइंग द रीजन, उसे हम क्लैमर कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? फॉर रॉ भी कहां से आ सकता है, बिल्कुल सही है विष्णु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसका मीनिंग लिख दिया, यूजुअली वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु कीप ऑन शाउटिंग, ठीक है। कैसे लिखा है, द चिल्ड्रन वर क्लैमरिंग फॉर अटेंशन। जितने भी बच्चे हैं वो चिल्ला रहे थे अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अच्छा जल्दी से एक वर्ड और लिख के बताइए, जल्दी से, उन लोगों को क्या कहा जाता है हु वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, वो सारे लोग जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और उसे हम कहते हैं सिनोजर। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, सिनोजर कहा जाता है। तो देखो इससे आप लोग कितने सारे वर्ड सीख सकते हो जस्ट फ्रॉम वन वर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है
Espousal, espousal का मतलब भी नाउन और वर्ब दोनों के लिए होता है और इसका मतलब होता है सहभागी. आप हमारे साथ इस शो में सहभागी हैं. Now let me see if we can make this family 700 big today or not. सहभागी है इसका मतलब क्या है? हम और आप एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, है ना? We are supporting a cause. हमारा कॉज है आपको सिलेक्शन दिलाना और आपका कॉज है हमारे साथ जुड़े रहना सिलेक्शन तक. Now An act of adapting, जब आप किसी चीज के साथ रोजमर्रा तरीके से जुड़ जाओ. जैसे मान लीजिए अगर एक दिन एडिटोरियल ना हो तो हमें और सर को कितना खाली लगता है ये हम नहीं बता सकते, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, when you are supporting a cause or embracing something, you can actually use the term espousal. क्या ये सबको क्लियर है? चलो देखो हमने क्या लिखा है. I've written, most people in India still espouse conservative political views. बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो आप लोगों के कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज को फॉलो करते हैं, पुरानी धारणाओं पे अभी भी चल रहे हैं. तो आप चाहें तो इस वर्ड से, वैसे नया वर्ड है, बिल्कुल कुछ नया बनाइएगा. आज हिंदू ने बहुत अच्छे वर्ड्स दिए हैं, चाहे एट्रोसिटीज, चाहे क्लैमर, चाहे स्पाउसल, ऐसे वर्ड्स जो आप लोग लगातार यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, उसको वोकैबुलरी तरीके से और खूबसूरत बनाने के लिए. चलिए प्रेक्लूड. प्रेक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज को बंद करना, to prevent something from happening, किसी चीज को रोके रखना. रोकने को भी preclude कहा जा सकता है. याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो भी preclude word वहां पे बिल्कुल सही है. हमने क्या लिखा है, his contract precludes him from discussing his work with anyone. ऐसे आप IAS की बात कर लो, आप IPS officers की बात कर लीजिए, UPSC में जितने भी exams हो तो उनकी बात कर लीजिए, civil servants की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे servants जो कि आप लोगों के investigation bureau से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के office में उनको preclude कर दिया जाता है कि आप इस जगह की हो रही information को बाहर नहीं लेके जाएंगे. तो yes, the contract precludes him, मतलब the contract prevents him from discussing anything to the newer party. Next word that is mustering. Mustering का वैसे तो मतलब होता है एकत्र करना, लेकिन क्या एकत्र कर रहे हो? लोग एकत्र कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को एकत्र कर रहे हैं, ठीक है. क्या करेज को एकत्र कर रहे हो? क्या मतलब ताकत, है ना? ताकत को एकत्र कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ताकत को एकत्र कर रहे. कोई भी चीज अगर आप असेंबल कर रहे हैं अपने अंदर भी, या फिर लोगों को एकजुट करने के लिए भी, हम मस्टर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आई मस्टर करेज टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, यू पीपल मस्टर करेज टू टॉक अबाउट, टू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. हमेशा कुछ सच बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू मस्टर करेज, मतलब एकत्र करना, है ना? Assemble, bring together, encourage someone, कुछ भी चला जाएगा, बहुत आसान है. लिखेंगे कैसे? The team will need all strength they can muster to win this game. इस टीम को हर एक स्ट्रेंथ इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो मस्टर, ताकि दे कैन ब्रिंग दिस टुगेदर एंड विन द गेम. आई होप सो इंडिया विंस ऑल द गेम्स इन विच एवर स्पीयर वी आर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट इज सप्लांट. भैया ये वर्ड आज हमने कहा हिंदू इज फिल्ड अप विथ न्यू वर्ड्स टुडे, ब्रिलियंट वोकैबुलरी गिवन. देखो इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, लेकिन रिप्लेस करने को भी हम सप्लांट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सुपरसीड या रिप्लेस दोनों वर्ड इसके सिनोनिम बन सकते हैं, याद रखिएगा सुपरसीड या रिप्लेस. नाउ अगर सेशन आप लोगों को इतना ही पसंद आ रहा है जैसे सब लोग कह रहे हैं तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा. शेयरिंग इज केयरिंग एज आई ऑलवेज से. आगे बढ़ते हैं. प्रिंटेड बुक्स विल सून रिप्लेस सप्ला, विल सून बी सप्लांटेड, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है सीधा सीधा रिप्लेस है बाय ई बुक्स. बहुत जल्दी प्रिंटेड बुक्स को अगर ऐसा ही चलता रहा, डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा, तो भैया हमें तो नहीं लगता कि हम ज्यादा पेपर बना पाएंगे, तो हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा? ई बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज फ्यूरी. फ्यूरी आप लोग बार बार पूछ रहे थे ना, फ्यूरी का मतलब होता है रोष, गुस्सा, वाइल्ड, एंगर, अग्रेशन, रॉथ, रेज. इतना सारा वर्ड फ्यूरी वर्ड से आ जाता है. फ्यूरी का मतलब ऐसे याद रखना कि हमें सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो हम फायर हो गए. फायर हो गए मतलब क्या? हमें गुस्सा आ गया, है ना? सो व्हेन यू आर वाइल्ड विद एंगर, याद रखिएगा, यू आर वेरी एंगर, यू आर वेरी रेज. रेज का मतलब भी यहाँ पे अग्रेशन, गुस्सा होता है. रॉथ का मतलब भी अग्रेशन, गुस्सा होता है, उसे हम फ्यूरी कहते हैं. आगे देखो क्या लिखा है हमने. The fury of the crowd was directed towards the police. जो crowd का गुस्सा था, है ना, crowd का जो आक्रोश था, वो कहते हैं ना जो aggression था वो किसकी तरफ था? It was only directed to the police. आगे बढ़ते हैं. Next word आप लोगों के लिए है that is affluent. Affluent का मतलब होता है बहुत पैसे वाले. मान लीजिए अगर सर के लिए हमें कहना होगा तो क्या होंगे? He is quite an affluent person. He is quite a wealthy person. बहुत पैसा इनके पास. Having great deal of money and he is very wealthy. है ना? So basically
I wish all of you people to be an affluent and a very successful citizen. है ना? तो affluent का मतलब क्या होगा? I want all of you to become like very wealthy. है ना? We live in an affluent neighborhood. हम कहाँ रहते हैं? एक काफी wealthy society में रहते हैं. भले हमारे पास चवन्नी अठन्नी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Next word जो आपके लिए है, that is sapping. Sapping एक और नया word है. Sapping का मतलब भी होता है किसी चीज को समाप्त कर देना. समझ में आया? किसी चीज को समाप्त कर देना. जैसे कि खत्म क्या क्या करोगे? जब आप किसी चीज को ग्रेजुअली तोड़ रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इरोड कर रहे हो, डिप्लीट कर रहे हो, मतलब समाप्ति की तरफ ले जा रहे हो, उसे हम सैपिंग कहते हैं. क्या ये सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए. हाँ मैम, ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. कंसिस्टेंट फेलियर्स ऑफन हैव सैपिंग इफेक्ट ऑन मोरल. हम सब जानते हैं कि हमारे जितने एफर्ट्स होते हैं, अगर कंसिस्टेंटली वो फेलियर देखते हैं तो क्या करते हैं? हमारा मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है. तो सैपिंग का मतलब क्या होता है? हमारा मोरल धीरे धीरे वीक हो रहा है. समझ आया? चलिए, ये था आप लोगों का आज का वोकैबुलरी सेशन. बढ़ते हैं आगे. टुडे आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स. मजा आ गया था हमें खुद जब हम इसे बना रहे थे. ठीक है, देखो, बेकर्स डजन, एक डजन का मतलब होता है 12. ठीक है, लेकिन जब बेकर का डजन होता है ना, इसका मतलब होता है 13 इन नंबर. नंबर में 13 होता है बेकर्स डजन. भैया बहुत नया है. आगे बढ़िए. बी इन द ड्राइविंग सीट. तुमने खाना बनाया लेकिन बर्तन नहीं धोए. यू वर इन द ड्राइविंग सीट, यू हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बर्तन तुम्हें को धोने पड़ेंगे, है कि नहीं? सो बेसिकली व्हेन यू आर बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको कहा जाएगा यू आर एट द ड्राइविंग सीट. समझ में आया सभी को? आगे नेक्स्ट जो देखा है वो है बाइट द डस्ट, बाइट द मस्ट. तुम लोगों ने दंगल देखी है ना? धूल चटाने का मतलब क्या होता है? गिरा देना, हरा देना. तो बस बाइट द डस्ट मतलब अब अगर धूल चाटोगे तो क्या हो जाएगा? यू आर डिफीटेड. वेरी इजी सिंपल. मिसोगाइनिस्ट, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग ऐसा. हेटर ऑफ वुमेन काइंड, उसे हम क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट कहते हैं. म्यूटिलेशन, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जब आप पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उसे हम म्यूटिलेट कहते हैं. म्यूटिलेशन उसी वर्ड से आया है. न्यूरोटिक, न्यूरोटिक जनरली ब्रेन से होता है बट आपकी नर्वसनेस सेंसिटिविटी से भी जुड़ा हुआ होता है. इसका मतलब होता है एक्सेसिवली सेंसिटिव एंड एंग्शियस. क्या ये सभी को क्लियर है? भैया जल्दी से एक बार बताओ. हाँ मैम, यहाँ तक क्लियर है. और हमने सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दिया है. अलग से इंग्लिश के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए हमारे साथ सुबह 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा. और आज का सेशन जरूर देखिएगा टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स. आगे बढ़ते हैं सर के एक्सप्लेनेशन की तरफ. हाँ, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि शास्त्री जयंती जी के ऊपर भी, शास्त्री जी के ऊपर भी 4 से 5 क्वेश्चन हमने वहां पर मैंने फ्रेम कर दिए. बस आपको एक इन्फॉर्मेशन बतानी है. उम्मीद है आपको मेरा ये जो प्रयास है वो पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक ही दिन हमें मिलता है साल में उनके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए. ऐसा न्यूज़पेपर के मुताबिक हम कह सकते हैं. टेक्निकल टीम से चाहेंगे अगर हो सके तो मुझे भी साइड में बिठा दीजिएगा. लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? ऑप्शन आपके सामने. समय को देखते हुए, आर्टिकल डिस्कशन को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, ये मेरा दावा है. जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी के बारे में वो पूरी मिलेगी. करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी नेहरू जी के निधन के बाद, और गुलजारी लाल नंदा जी के रूप में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे उनके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे. इससे पहले उन्होंने भारत की कौन सी मिनिस्ट्री को वो संभाल रहे थे? इससे पहले वो कौन से नंबर या कौन सी मिनिस्ट्री के मंत्री थे वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है. प्रधानमंत्री से पहले वह कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में. अगला प्रश्न आप सभी से यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था, ये तो सबको पता है कि आंसर है 2 अक्टूबर. मैं यहां से आपसे वर्ड्स पूछ रहा हूं, ईयर पूछ रहा हूं. 1869 में तो महात्मा गांधी जी का यहां पर जन्म हुआ था, तो यह ऑप्शन तो यहां पर करेक्ट नहीं होगा. महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था. लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1904 में, कल के दिन 2 अक्टूबर को. याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश की किस सिटी में उनका जन्म हुआ था, आप सभी मुझे टाइप करके बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में. बहुत सारी जानकारी मिलेगी अगले 5 से 7 मिनट के अंदर, यह मेरा दावा है. अगला प्रश्न, From which institute did लाल बहादुर शास्त्री get the title शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री जी को किस संस्थान से शास्त्री की उपाधि मिली थी? लाल बहादुर शास्त्री उनकी उपाधि है, टाइटल है, किसके द्वारा दी गई थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको बताना होगा. चलिए बताते हैं करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है काशी विद्यापीठ के द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को. वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक है वह कहां पर स्थित है, यह आपको मुझे यहां पर बताना है.
1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वहां पर जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उनका निधन हुआ था 1966 में, और कहां पर? ताशकंद। ताशकंद पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। ताशकंद समझौते पर साइन करने के कुछ ही घंटों के बाद उनका निधन हो गया था। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। और उनकी डेथ आज भी मिस्टीरियस है, आज भी नहीं पता है कि उनकी डेथ क्या हुई थी, नेचुरल डेथ थी या उन्हें जहर देकर मारा गया था। यह पॉइंट यहां पर डिस्कस किया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री उनके पास थी, बिल्कुल सही है। मुगलसराय, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, टाइप करके बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। विजय घाट उनकी समाधि स्थल का नाम है। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। शांति वन ये नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम है, जबकि शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। अब बात करते हैं नेबरहुड पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दोस्ती है उसके बारे में ये आर्टिकल है। मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए टेक्निकल टीम। यहां पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में, नाम है शेख हसीना। आप यहां पर उनको देख भी सकते हैं, मोदी जी के साथ वो यहां पर शीट शेयर कर रही है। हर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम द अक्टूबर 3 to 6, ये 3 से लेकर 6 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी। ये इनकी पहली ऑफिशियल विजिट है बांग्लादेश में। दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे और चुनावों के बाद पहली बार शेख हसीना जी भारत विजिट पर हैं, और मई 2019 में भारत में भी चुनाव हुए थे, यानी कि यह मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। तो पहली विजिट है जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रही हैं। सी विल एड्रेस दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इंडिया इकोनॉमिक समिट, इस पर्टिकुलर समिट को वो संबोधित भी करेंगी और जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं उस पर भी बातचीत करेंगी इंडिया में। बांग्लादेश की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं। बांग्लादेश इंडिया का बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और बांग्लादेश ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट के अंदर कम से कम 15 नई जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी, मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, याद रखिएगा, उसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, और इसके हिसाब से यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। कुल कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो कुल 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। पहला है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका असम राज्य यानी कि असम स्टेट, तीसरा है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा नंबर 3, इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा आपका मिजोरम, और मिजोरम को मैं मिजो लिखकर यहां पर हटा देता हूं, और फिर है इसके बाद मेघालय। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा को शेयर करते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वह शेयर करता है आपका बांग्लादेश, याद रखिएगा। ढाका यहां की कैपिटल है, यानी कि ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश एंड टका इज द करेंसी नेम ऑफ द बांग्लादेश, आप देख सकते हैं। उम्मीद है यहां पर मैप प्रैक्टिस भी आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। इंडिया एंड बांग्लादेश टुडे एंजॉय वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ देयर रिलेशनशिप, इस समय भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो सबसे बेहतरीन समय में चल रही है। डिप्लोमेटिक टाइज हो, कूटनीतिक हो, राजनीतिक हमारे जो सहयोग हो, इकोनॉमिक टाइज हो, सिक्योरिटी रिलेशन हो, इस समय सबसे बढ़िया है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि एक माइलस्टोन था क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देशों ने अपने जो दोस्ताना जो रिलेशन है उन्हें बिल्कुल बरकरार रखा। यहां पर एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना जो व्यवहार है। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इश्यूज, हमारे बॉर्डर पर बांग्लादेश के साथ बहुत सारे इश्यूज थे बॉर्डर को लेकर, लेकिन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में इन सारे इश्यूज को हमने यहां पर खत्म कर दिया है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करते हैं तो यह 9 बिलियन के आसपास है, 9 बिलियन यूएस डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए, जबकि बांग्लादेश का जो निर्यात है वह भारत में 42% तक बढ़ चुका है और 1.25 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है 2018 और 2019 में। कोई भी आर्टिकल अगर आप लिखते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर या कोई ऐसे लिखते हैं भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के ऊपर, तो ये सारे फैक्ट्स आपको वहां पर बेनिफिट करेंगे, आपको वहां पर लाभ प्रदान करेंगे। रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स विल हेल्प बांग्लादेशी एक्सपोर्ट सच एज द हार्मोनाइजिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट बाय इंडिया। बांग्लादेश में जो हम निर्यात, बांग्लादेश का जो निर्यात इंडिया आता है वहां पर हम नॉन टैरिफ यानी कि उन पर टैक्सेस नहीं लगाते, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो निर्यात है भारत में काफी बांग्लादेश को हेल्प करता है, मदद करता है। 2018 660 मेगावाट का जो पावर है, या 660 मेगावाट की जो पावर है, एनर्जी है, वो हमने बांग्लादेश भेजी थी, बांग्लादेश को निर्यात की थी, या यूं कहें कि बांग्लादेश ने उसका आयात किया था, इंपोर्ट किया था। इंडियाज एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज बाय अनदर 500 मेगावाट। निर्यात की बात करें तो 500 मेगावाट तक बढ़ चुकी है अगर हम बात करते हैं एनर्जी सप्लाई या एनर्जी एक्सपोर्ट टू दी बांग्लादेश। लैंड रूट्स की बात करते हैं, गेन पॉपुलैरिटी, अब लोग जमीनी रास्तों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जाने लगे हैं।
एयर ट्रेवल में भी प्रेफर्ड बाय दी 85.6% ऑफ दी बांग्लादेशीज विजिट इंडिया. लैंड रूट हैव गेन पॉपुलैरिटी ओवर एयर ट्रेवल. तो हवाई यातायात से नहीं बल्कि जमीनी रास्तों से आने के लिए पॉपुलैरिटी यहां पर बढ़ चुकी है और 85% जो बांग्लादेशी विजिटर हैं इंडिया अब जमीनी रास्ते से ही पहुंचते हैं. ट्रेन सर्विस की बात करें ढाका से लेकर कोलकाता तक और कोलकाता से लेकर खुलाना तक आर डूइंग वेल. वायल अ थर्ड ऑन दी अगरतला टू अखूरा रूट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. ये रूट भी बन रहा है और यहां से भी अब ट्रेन सर्विस आपकी शुरू हो जाएगी. इसके अलावा 5 एडिशनल बस सर्विस भी हैं जो कि 2018 में चलाई गई थी और इस मार्च के महीने में फर्स्ट एवर ढाका कोलकाता क्रूज शिप जो कि नदी पर चलेगा इसे भी लॉन्च कर दिया गया था. बांग्लादेशी टूरिस्ट की बात करते हैं भारत के टोटल टूरिस्ट परसेंटेज में लगभग 21% बांग्लादेशी होते हैं जो कि विजिट करते हैं इंडिया में, जिनमें से 10% मेडिकल होते हैं और 83% टोटल टूरिस्ट जो बांग्लादेश से आते हैं वो टूरिस्ट के तौर पर या विजिट करने के लिए ही आते हैं. आज बांग्लादेश कंट्रीब्यूट 50% ऑफ इंडियाज हेल्थ टूरिज्म रेवेन्यू. भारत को जितना भी टूरिज्म रेवेन्यू हेल्थ के सेक्टर से मिलता है यानी कि ऐसे रोगी जो कि दूसरे देशों से भारत आते हैं इलाज करवाने 50% बांग्लादेश से ही आते हैं. लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, इस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफी समस्याएं चल रही है. तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में 2015 में यह बातचीत की जानी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बातचीत को नकार दिया कि हम अब मोदी जी के प्रेजेंस में कोई बातचीत नहीं करेंगे. इसके अलावा एनआरसी का मुद्दा भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि असम में 1.9 मिलियन असम के लोगों को बाहर निकाल दिया गया है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 की जंग के बाद. तो बांग्लादेश उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार करता है और यह कहता है कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यह एक बड़ा मुद्दा है जो यहां पर बन सकता है. बांग्लादेश कभी भी 1971 की जंग के बाद जो लोग असम पहुंचे हैं उन्हें इलीगल नहीं मानता और वो कहते हैं कि कोई भी बांग्लादेशी भारत नहीं पहुंचा है 1971 की जंग के बाद. रोहिंग्याओं का जो मुद्दा है वो भी एक पॉइंट बनता है भारत और बांग्लादेश के बीच में. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि एस जयशंकर जी हैं उन्होंने एक बार यह कहा भी था कि हम एग्री करते हैं सेफ स्पीडी और सस्टेनेबल रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन जो कि रोहिंग्या है. तो रोहिंग्या जो मुसलमान है जो कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश उन्हें निकालने की बात करता है, बांग्लादेश उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन भारत रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के लिए यहां पर दृढ़ प्रतिबद्ध है. तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में थोड़ी सी दरार ले आते हैं, लेकिन शेख हसीना की जो ट्रिप है इंडिया में होपफुली विल हेल्प रिलेशंस मोर स्ट्रेंथिंग. जो थ्री सीज हैं, सी का मतलब यहां पर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंसोलिडेशन से है. तो ये जो थ्री सीज हैं फेस टू फेस लाएगा टेक्निकल टीम. तो उम्मीद है शेख हसीना की ये जो विजिट है होपफुली काफी बेहतर रहेगी भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के लिए. ओके, तो यहां पर सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को लेकर यहां पर, कि उम्मीद है कि शेख हसीना की जो विजिट होगी उसमें भारत और बांग्लादेश का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंसोलिडेशन और बेहतर होगा और भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे. आर्टिकल क्लियर रहा हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा. इस आर्टिकल का टोन डिस्क्रिप्टिव था क्योंकि इसमें किसी भी मुद्दे पर अलग से चर्चा नहीं की गई थी, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताया गया था कैसे रिलेशंस हम शेयर करते हैं. आर्टिकल टोन याद रखिएगा, इट इज डिस्क्रिप्टिव सेशन. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए. नंद किशोर जी न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए सुबह 6:30 बजे हर रोज हम एक आर्टिकल लाते हैं, प्लीज उसे जरूर पढ़िएगा टू इंप्रूव योर इंग्लिश. अगर सेशन पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल के साथ बिल्कुल नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत. और अगली क्लास रीजनिंग गुरु की है तो उसमें जुड़ना भी मत भूले. जितने भी लोग यहां पर हैं वहां पर जल्दी से लाइन अप हो जाएं, समर्थन उतना ही इंपॉर्टेंट है. धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए. मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से आप सभी के साथ. धन्यवाद. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.